करने के लिए लगातार जो दिग्गज हैं, जो खास हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। ओम माथुर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। 13 लोकसभा सीट में पहले चरण में आज मतदान है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद ओम प्रकाश माथुर। माथुर साहब, जो आपने भी क्या मोदी जी ने कहा था कि पहले मतदान फिर जलपान, क्या आपने वही अनुसरण किया? बिल्कुल वही अनुसरण किया जो हमारे नेता ने, सबने ये किया कि जितने मेरे गांव के बासिंदे खड़े हैं, सबने पहले कहा कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। और इसने निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का जो महायज्ञ है, हर एक मतदाता चाहता है कि मेरी आहुति यज्ञ में लगे, लोकतंत्र मजबूत हो, सशक्त हो। इसलिए निश्चित रूप से मैंने तो वो पालन किया ही है, लेकिन प्रत्येक नागरिक के मन में और विशेष करके जो नव मतदाता है उनके मन में एक जिज्ञासा है कि पहले मतदान फिर चल पाए, इसी भाव से हम लोग सब यहाँ आए। सर, क्या मोदी लहर जो 2014 में थी, क्या वो लहर आज भी आपको लगता है कायम है? मुझे लगता है कि थोड़ा इस विषय को आपको समझना चाहिए। 14 में हम सिर्फ मात्र मोदी CM और गुजरात लेके गए, अब ये जो 19 आया है तो अब खाली मोदी नहीं, मोदी एक विराट व्यक्तित्व बन चुका है, मोदी गरीबों का मसीहा बन चुका है, मोदी आम आदमी की एक अपेक्षा जग चुका है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये लहर नहीं, इस बार का मतदान सुनामी के रूप में मतदान हो रहा है। सर, भाजपा जो है राष्ट्रवाद और सेना पर जोर देती है, जबकि विपक्ष गरीबी, बेरोजगारी और किसानों पर जोर दे रहा है। देखिए, एक विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला, हमारे पूरे भाषण में 2-3 मिनट राष्ट्रवाद होता और बाकी हमने जो कुछ किया 5 साल, हम शुद्ध रूप से विकास 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 विकास, जो हमने आज तक लगभग हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता में से 80 से 90 करोड़ को व्यक्तिगत लाभ, चाहे वो जनधन योजना से हो, चाहे उज्ज्वला से हो, चाहे स्किल इंडिया से हो, 50 योजनाओं के साथ मैदान में थे, इसलिए विकास है। लेकिन कुछ मिल नहीं रहा कि उसके बारे में बोल नहीं पा रहे। कहाँ गए थे 70 वर्ष तक एक पार्टी के राज चलने वाले लोग? मेरे मानने से लगभग 58 वर्ष तक तो एक खानदान ने राज किया, वो लोग कहाँ गए थे ये उनको दिखी नहीं। ये पहला प्रधानमंत्री हुआ है जिसने गांव, गरीब और किसान की चिंता करके सारी योजनाएं लागू की। अभी तो हमने रोड बनाया है, अब ये जो 5 साल है ये हमको उस रोड पर पेवर करने का है। और हम निश्चित रूप से, आम व्यक्ति के मन में भाव पैदा हुआ है, मोदी मेरे मोहल्ले का, मोदी मेरे घर का, मोदी मेरे परिवार का, ये भाव करके वो वोटिंग कर रहे हैं। सर, आपको राजनीति का इतना अनुभव है, तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो इस बार क्या मिशन 25 जो पहले के अपने 3 सीट किया था वो कायम रहेगा? और अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले बार 284 की भाजपा को मिली, तो इस बार आपको क्या उम्मीद है दोनों तरह से? देखिए, मैं राजस्थान के बारे में डिटेल इसलिए नहीं कहूँगा कि राजस्थान मेरा 3 महीने से मैं यहाँ नहीं था, कल ही आया हूँ राजस्थान में, गुजरात था, लेकिन गुजरात में 26 सीट थी, 26 की 26 आने वाली। लेकिन 2014 से ज़्यादा सीट जीत करके, यानी 14 में जो आंकड़ा था उससे बहुत आगे जा करके भारतीय जनता पार्टी NDA उन्हें सरकार बनाने जा रही है। सर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो कमेटी में सभा की, उन्होंने ये कहा, आरोप लगाया कि मोदी देश देश विदेश में घूमते हैं, लेकिन वो वाराणसी जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहाँ गाँव में नहीं गए। मैं कहता हूँ ये तो रिजल्ट बताएगा, गांव में गए कि नहीं गए, कि वो तो रिजल्ट हुआ। और जो उनका कल फॉर्म भरने से एक दिन पहले जो रोड शो हुआ है, और जिस प्रकार से आपके सारे चैनल इस समय वाराणसी में कैंप किए हुए हैं, वो जो रिएक्शन दे रहे हैं गांव के लोग, आम व्यक्ति, किसी ने कल्पना की थी क्या इस प्रकार से अकेली PM किसान कृषि जल योजना बने, उज्ज्वला पहुंचे, जनधन बिना नो बैलेंस जीरो बैलेंस में जनकर खाता खुले, लगभग 8 करोड़ ऐसे युवा जिनको बिना गारंटी के 10 से 15 लाख का लोन मिला, ये सारी चीजें जनता के बीच में। प्रियंका जी, पहले भी मैं तो 17 में वही था, UP का ही प्रभारी था, प्रियंका जी इसी तरह से घूम रही थी, कुल 10 सीटों में वो मेहनत कर रही थी, सिर्फ 2 सीट जीत पाई, 2 में भी मैं कहूँगा 1 जीत पाई, 1 तो वो लगातार जीतता, 1 परिवार जीतता। इसलिए प्रियंका जी का भी रिजल्ट 23 मई को पता लग जाएगा आपको। कांग्रेस का, मुझे लगता है कांग्रेस 2 का आंकड़ा यानी जुआई से यही तक नहीं पहुँच पाएगी, पिछली बार से भी कम सीट आएगी। पिछला चुनाव 12 का चुनाव ऐसा, 14 का चुनाव ऐसा था जिसमें कांग्रेस अपने पूरी जिंदगी में सबसे नीचे स्थान पर गई है। और इसलिए खाली झूठ बोल करके, नेहरू जी ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ,
राजीव जी ने कहा गरीबी हटाओ, आज उनका पोता राहुल बाबा भी कहता है गरीबी हटाओ। यानी 70 साल तक इस देश को धोखे में रखा, गरीब को गरीबी रहने दिया, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन मोदी का पहला भाषण था मेरी सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित होगी, और इसी भाव से 5 साल हमने काम किया, और इसलिए 5 साल का काम, 5 साल का विकास और व्यक्तिगत जो लोगों का सीधा सीधा लगा है वो सब मिलकर के हम 14 का आंकड़ा बहुत पीछे छोड़ करके पूर्ण बहुमत से आने वाले। सर मोदी जी की जाति को लेकर बात हो रही है, कल प्रियंका गांधी ने कहा कि जो है कितने पूरी जाति, वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं कि मोदी जी किस जाति के हैं। अब ये लोग पूछ रहे हैं ना, मायावती जी बोल रही है, कहीं अखिलेश जी बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं जाति को नहीं बोलना चाहिए भाई। मेरे ख्याल से मोदी जी को भी उनकी जाति का ये सब बोलने के बाद पता चला होगा अगली जाति क्या है। हमारे यहाँ जाति का कोई नहीं है, मोदी जी एक गांव गरीब सबको मारो, हमारा स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। इस तो माथुर को आपने सुना और अब आपको सुनवाते हैं।